अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट एट जस्ट ₹299। आ गया मेरा अनलिमिटेड फूड। कितनी बड़ी है ये साइज के अंदर। और फिल्टर कॉफी तो जब तक ऐसे ना करो तब तक उसका कोई मजेदारी नहीं होती। दिस वड़ा। हेलो गाइस, वेलकम टू कैफे ऑलिक, अनदर अमेजिंग व्लॉग। तो आज मैं आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग लोकेशन पर, गुरुग्राम की। आई मीन एक ऐसा प्लेस जहाँ पर आपको मिलता है अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट। और आपको पता है ब्रेकफास्ट ना एकदम किंग की तरह किया जाता है। कहते हैं ना, पहले लोग कहते थे कि जो ब्रेकफास्ट होता है वो सारी चीज़ों का राजा होता है। तो ब्रेकफास्ट के लिए प्लेस ढूंढना तो बनता है, और बहुत सारे लोग सच में ही ब्रेकफास्ट प्लेसेस ढूंढते होंगे। तो इसलिए मैंने आपके लिए ढूंढ कर निकाला एक प्लेस, नेम है दशा प्रकाश। ये है एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस जहाँ पर आपको साउथ इंडियन की भर भर की वैरायटी मिल जाएंगी। और इसके साथ आपको अगर मैं इस प्लेस के एम्बियंस की बात करूँ, ओ माय गॉड, इतना बड़ा प्लेस है। मतलब यहाँ पर आपको लगेगा कहाँ बैठूँ मैं, कौन सी सीट चूज करूँ। यहाँ पर आपको डे लाइटिंग की सीट से लेकर नाइट लाइटिंग तक सीट मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा, मतलब इतना भर भर के सीटिंग स्पेस है। उसके बाद भी यहाँ पर आपको हर तरह की चेयर मिल जाएंगी, हर तरह की सीटिंग्स मिल जाएंगी। इसके बाद अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये वाला प्लेस है सेक्टर 29 में, गुरुग्राम में। इनके और भी काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी इनकी लोकेशन क्या है। अब बात आती है पार्किंग की। तो यहाँ पर भर भर के पार्किंग स्पेस है, और आपको कोई फी पे नहीं करनी फॉर पार्किंग। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि आप ऊपर आओगे तो ऊपर आने के लिए लिफ्ट है। हाँ जी, लिफ्ट है, आप ऊपर आराम से आ सकते हो। तो आपके साथ अगर ओल्ड पीपल आते तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। अब बात आती है ब्रेकफास्ट की। तो जो ब्रेकफास्ट है वो आपको मिलेगा अनलिमिटेड, अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट एट जस्ट ₹299, जिसमें आपको भर भर के वैरायटी मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको इसी के अंदर मिलता है डोसा, इडली एंड रवा, ये जो हलवा होता है वो, चटनी मिल जाएंगी साथ में। और इसके साथ एक ज़बरदस्त चीज़ है, वो है फिल्टर कॉफ़ी। मतलब इस ब्रेकफास्ट के साथ आपको मिलेगी फ्री फिल्टर कॉफ़ी, आई मीन इसी में इंक्लूडेड है। तो जो फिल्टर कॉफ़ी है वो रिफ़िल नहीं होगी, बाकी सारे आइटम्स कैन बी रिफिल्ड। आपको जब भी, मतलब यू नो, जब जो आइटम ख़त्म हो जाए, आपको चाहिए दोबारा रिफ़िल करा लो। ओनली ₹299 में आप अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो इससे ज़्यादा और बढ़िया बात क्या ही हो सकती है। बात आती है अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट आपको गुरुग्राम में ही मिलता है ₹299 का, नहीं, गुरुग्राम में मिलता है ₹299 का, लेकिन दिल्ली में अभी भी ₹199 का है, जिसमें आपको फिल्टर कॉफ़ी इंक्लूडेड नहीं है। अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट की जितनी भी लोकेशंस हैं उसका कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग भी है ब्रेकफास्ट का। तो टाइमिंग होगा सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, और 4 बजे से 6 बजे तक। टाइमिंग भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप चेक कर सकते हो। बात आती है फूड के टेस्ट की। तो अभी मेरा फूड आया नहीं है, मैंने आते ही सबसे पहले अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट मांगा। तो सुबह के बज चुके हैं 8 और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो अब मेरी फूड जैसे ही आता है तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसा है। टेबल पर अभी अभी आई है चटनी। चटनी में है 3 टाइप 3 वैरायटी। तो ये है ग्रीन चटनी, ये है नारियल वाली चटनी, सबसे फेमस वाली चटनी साउथ इंडियन की, एंड ये है टमाटो चटनी। दिखने में इतनी टेम्पटिंग है, जब खाऊंगी तो बताऊंगी कैसी है। जैसा मैंने आपको बोला कि मेरी अनलिमिटेड साउथ इंडियन प्लेटर आने वाली है, तो आ गया मेरा अनलिमिटेड फूड। ये आप देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या आया है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये यहाँ पर आए हैं 2 वड़े साउथ इंडियन प्लेटर में। गाइस, ये है इतनी बड़ी इडली, जो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी है ये साइज के अंदर। और इसके साथ काफ़ी सॉफ्ट भी है, तो मतलब इसकी सॉफ्टनेस भी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ ये मिलता है एक डोसा। और डोसा आप सोच रहे होगे अनलिमिटेड में मिलेगा प्लेन, नो, इसमें मिल रहा है आलू डोसा, जिसके अंदर यू नो आलू भरे हुए हैं, मसाला डोसा है ये। इसके साथ मिलता है उपमा। उपमा आप देख सकते हो, मैं तो भाई खाने में क्या, मुझे तो दिखने में इतना टेस्टी लग रहा है ना, मन कर रहा है सारा ही खा लूँ। इसके साथ ये आपको मिलता है, ये है इनका हलवा जो आप देख सकते हो, येलो कलर है। इसके अंदर इन्होंने डाले हुए हैं काजू भर भर के, जो आप देख सकते हो, और दिखने में भी काफ़ी अच्छा है, खाने में भी उतना अच्छा होगा ये। इसके साथ इन्होंने दिया है ये सांभर, और साथ में मैंने एक सांभर और मंगा लिया क्योंकि सांभर जल्दी ख़त्म हो जाता है। साथ में इसकी इनकी मिल रही है फिल्टर कॉफ़ी। ये रही फिल्टर कॉफ़ी, इसकी प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो। फिल्टर कॉफ़ी तो जब तक ऐसे ना करो तब तक उसका कोई मज़ेदारी नहीं होती। तो अब मुझे शायद एक एक करके आपको टेस्ट कराना चाहिए हर चीज़। मैं आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है।
तो सबसे पहले मैं ट्राई करूंगी दिस वड़ा, काफी क्रिस्पी है यार ये। पहली बार ऐसा कोई वड़ा है जो इतना चटपटा है। आई मीन वरना बड़े का ना कोई टेस्ट नहीं होता अंदर से। इट्स लाइक कि कोई उसके अंदर मसाला वगैरह कुछ नहीं होता, इट जस्ट बिल्कुल सिंपल लगता है। बट ये ऐसा है जिसमें मुझे थोड़ा तीखापन लगा, थोड़ा स्पाइसी लगा, अच्छा लगा, मैं काफ़ी चटपटा है। इसके साथ अगर आप सांभर के टेस्ट की बात करोगे ना, तो सांभर तो इनका दिखने में भी काफ़ी अच्छा है, और टेस्ट में तो भाई लाजवाब है। आते हो तो जरूर ट्राई करना भाई, ये वाली प्लेटर बहुत ही बढ़िया लगी है मुझे तो। मेरे से नहीं रहा जा रहा इडली ट्राई करे बिना, तो अब मैं ट्राई करती हूँ इडली। इडली को आप लोग ऐसे खाते हो पहले सांभर में डाल के? अगर खाते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इडली मेल्ट इन माउथ, मुंह में रखी घुल गई, बहुत टेस्टी है। बात करते हैं डोसा की। वैसे मैंने थोड़ा सा खा लिया था इंस्टा के कंटेंट के लिए, बट मैं आपको डोसा भी ट्राई करके बताती हूँ। आपको पता है मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो साउथ इंडियन में ना चटनीज ही नहीं खाती। आई मीन साउथ इंडियन ना हमेशा मैं सिर्फ सांभर के साथ खाती हूँ या फिर बिना सांभर के साथ खा लेती हूँ। अल्टीमेट, कोई ज़्यादा चिकनाई नहीं है इस पे, वरना अदरवाइज इतने घी लगाते हैं लोग डूब जाता है। बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, एकदम क्रिस्पी। अभी उतना नहीं है क्योंकि मसाला डोसा है तो ऑब्वियसली थोड़ी देर में सॉगी होने लगता है, बट टेस्ट में अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ ये उपमा। मन तो नहीं कर रहा, उपमा की शेप इतनी बढ़िया दी है ना इन्होंने, मन तो नहीं कर रहा उसको बिगाड़ने का। बहुत बढ़िया, इन्होंने ना उपमा के ऊपर पता है क्या डाला है? भर भर के घी, जो आप देख सकते हो कैसे तैर रहा है। बस ये चीज गलत करी इन्होंने, घी नहीं डालना चाहिए था इनको ना। टेस्ट में वाह वाह है। मैं सोच रही हूँ पहले मीटर ट्राई करूँ या फिल्टर कॉफी ट्राई करूँ। आई थिंक मुझे फिल्टर कॉफी पहले ट्राई करनी चाहिए। तो फिल्टर कॉफी आप लोग कैसे पीते हो कमेंट सेक्शन में बताना। मैं पीती हूँ ऐसे। ओ, फिल्टर कॉफी में चीनी नहीं है, तो चीनी डालते हैं। अब इसकी सिप लेते हैं, तो इसका टेस्ट ही अलग हो जाएगा। अल्टीमेट, मैं इसी का वेट कर रही थी कि कब चीनी डालूं और कब पीऊं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कुछ मीठा ट्राई करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना खाने के बाद तो मीठा होता ही है। तो ये अब मैं सोचू ये काजू जो है ना वो सब खा लेते हैं। यार ये पता नहीं ये कैसे बनता होगा, ये बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, हद मार के टेस्टी है भाई, जरूर ट्राई करना चाहिए। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं इस थाली की, तो इस थाली में आपको जितने भी आइटम्स दिख रहे हैं ना वो सब रिफिल हो सकते हैं। कैन यू इमेजिन? इडली का बिना मन करेगा मैं इडली अभी एक और मंगा लूंगी, और इसका मन करेगा मैं भी और मंगा लूंगी। बट दिस इज फॉर वन पर्सन ओनली। आप ये मत सोचना आप 6 लोग आ रहे हो तो सबको एक ही थाली मिलेगी, ऐसा नहीं है। इट्स फॉर वन पर्सन ओनली, वन थाली इज फॉर वन पर्सन। साथ में आपको सारी वैरायटी मिल रही है, आप रिफिल करा सकते हो कितना भी। जैसे मुझे उपमा बहुत पसंद आया, मैं उसको रिफिल करा सकते हो, है ना गजब की बात। और आइटम की टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी टेस्टी है। मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है इनके इडली एंड इनका उपमा, मुझे बहुत पसंद आया। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी थोड़ा सा स्पाइसी है, कुछ टेंगी खाने का मन है, कुछ चटपटा खाने का मन है, तो आप ये ऑर्डर कर सकते हो। बाकी आइटम्स तो वैसे सारे ही अच्छे हैं, बट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो ये। रही बात चटनी की, चटनी में भी ये 3 कलर्स देते हैं, 3 टाइप्स की चटनी हो गई, तो चटनी भी आप रिफिल करा सकते हो। बट ऑब्वियसली चटनी इतनी कोई खाता नहीं है कि वो रिफिल करानी पड़े। और तो यही आइटम है, तो फिर मैंने आपको ट्राई करके बता दिए। अब मैं भी जरा अपनी पेट पूजा कर लूँ, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, भूख लग रही है, तो करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।
गाइस फाइनली फूड फिनिश हो गया। बहुत ही बढ़िया फूड था। आई मीन साउथ इंडियन में अगर आपको अनलिमिटेड खाना है वो भी इन लेस प्राइस, तो बिना सोचे समझे आ जाओ दशा प्रकाश, जो आपके गुड़गांव में मल्टीपल लोकेशन पर मिलेगा, दिल्ली में भी मल्टीपल लोकेशंस पर है। प्राइसेस मैंने आपको वीडियो में बता दिए बट स्टिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। बात रही टेस्ट की, बहुत अच्छा है, इंडियंस बहुत अमेजिंग है। आई मीन इतना बड़ा एक गुड़गांव का सेक्टर 29 में हूँ मैं राइट नाउ, बट इतना बड़ा एम्बियंस है, बहुत ही बड़ा प्लेस है। आई मीन टू साइड सिटिंग है, बहुत ही अमेजिंग है। प्लस मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, इतना बढ़िया, जब आप एंटर करते हो ना तो सबसे पहले आपको यही मिलता है, बहुत ही सुंदर है विद ऑल द डेकोर एंड ऑल, बहुत ही प्यारा डेकोर है इस प्लेस का, वर्थ अ ट्राई है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आप आते हो तो प्लान करो दशा प्रकाश। मल्टीपल लोकेशन मैंने आपको बता दी, फिर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको भेज दूंगी कि कहाँ कहाँ पर इसकी लोकेशन है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग के साथ। हो सकता है और भी कुछ अनलिमिटेड डील्स आने वाली हो तो मैं आपको वीडियोस में जरूर डालूंगी। तो तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लस मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, साइड में आपको आइकन आ रहा होगा, डू फॉलो मी इंस्टाग्राम, वहां पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।